फ्रेंड्स, ब्लॉग का SEO मतलब कि सर्च इंजन में विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, इसका मतलब ये होता है कि अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक यूजर बढ़ाने के लिए, मतलब ब्लॉग पेज व्यू करने के लिए SEO की ज़रूरत पड़ती है। ये मैंने इससे पहले के बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे इंक्रीज कर सकते, मतलब बढ़िया कर सकते हैं, ये भी मैंने बताया। लेकिन उसमें क्या है, कैटेगरीज वाइज है, उसमें सारे पॉइंट को कवर नहीं किया था। उसमें मैंने जो है ऑन पेज SEO के बारे में जो पॉइंट्स था, जो मेन पॉइंट्स था, उसको मैंने कवर किया था। लेकिन आपको मालूम है कि इसमें तीन कैटेगरी होता है, एक होता है ऑन पेज, एक होता है ऑफ पेज, एक होता है टेक्निकल SEO। तो आज का जो ये वीडियो है ना, इस वीडियो में टेक्निकल SEO के बारे में डिस्कस करूंगा, आपको जानकारी दूंगा, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैंने फील किया वो, और जो इंटरनेट से मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया वो, दोनों का मिक्सिंग जो होगा वो इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। टेक्निकल SEO का मतलब क्या होता है? टेक्निकल SEO का मतलब होता है कि आपका जो ब्लॉग या वेबसाइट है उसमें जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि जिसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है, जैसे एक वेबसाइट क्रिएट करना, क्रिएट का मतलब होता है एक वेबसाइट को पूरा का पूरा सेटअप करना, बनाना, ये अपने आप में एक टेक्निकल चीज़ हो जाता है। जैसे कि डोमेन नेम लेना, वेब होस्टिंग लेना, उसको कनेक्ट करना, उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, ये हो जाता है ना, इसी को तो टेक्निकल चीज़ कहते हैं ना। क्योंकि आर्टिकल लिखना, आर्टिकल बढ़िया कैसे लिखा जाता है, ये तो ऑन पेज SEO की बात होती है। तो चलिए आज के डेट में ये समझते हैं कि टेक्निकल चीजें में ऐसा कौन कौन सी चीज होना जरूरी होता है जिसको करने पे आपको SEO में हेल्प मिलने वाली है। SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। नंबर वन पे ये है कि आपके ब्लॉग पे जो है HTTPS एकदम नेसेसरी होना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग बहुत सारे ब्लॉगर से भी पढ़े होंगे उनके पोस्ट को, बहुत सारे यूट्यूबर जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या मतलब कि ब्लॉगिंग से रिलेटेड आपको सिखाते हैं, वो बताए होंगे कि आपके ब्लॉग पे HTTPS होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है ये आपको जानकारी है, थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, वीडियो भले ही लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो काम का है। देखिए, HTTPS इसीलिए क्योंकि HTTPS का मतलब क्या होता है, सिक्योर SSL सर्टिफिकेट हो जाना जरूरी होता है। और मैंने अपने ब्लॉग पे SSL सर्टिफिकेट कैसे इंस्टॉल किया जाता है वो भी लाइव स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैंने बताया था। अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेना होगा ना तो देख लीजिएगा बाद में। एनीवे, SSL सर्टिफिकेट का मतलब ये हो जाता है कि जो यूजर आएगा उसका इन्फॉर्मेशन सिक्योर रहेगा। अब देखिए, ये इम्पॉर्टेंट किसके लिए होता है, ये इम्पॉर्टेंट होता है उस वेबसाइट के लिए जहाँ पे लॉगिन क्रेडेंशियल, मतलब कि यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई भी जो है सेक्रेट या बहुत इसेंशियल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पुट किया जाता है, डाला जाता है, तब होता है। ब्लॉग पे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नहीं भी रहेगा, लेकिन फिर भी गूगल चूंकि इस वेबसाइट को जिसके पास HTTPS है उसको नंबर वन पे रख रहा है, नंबर वन का मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी देता है एज कम्पेयर टू जिसके पास HTTPS नहीं है। आज के डेट में दोस्त ये है ना कि सभी वेब होस्टिंग कंपनियाँ HTTPS प्रोवाइड कराना शुरू कर देती है अपने ब्लॉग के लिए, कुछ फ्री वाले, कुछ पेड वाले, आपको डिपेंड है कैसे आप ब्लॉगिंग में कर रहे हैं तो पैसा क्यों लगाना है। फ्री में HTTPS दे रही है कंपनियां, तो उसको लीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, अपने ब्लॉग को जो है टेक्निकल SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया करके रखिए। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये है कि असल में क्या है ना कि जब आप अपने ब्लॉग को जो है सर्च इंजन कंसोल में ऐड कर देते हैं, सर्च इंजन कंसोल का मतलब आपको मालूम ही होगा, जिसको पहले वेब मास्टर टूल कहा जाता है, तो वहाँ पे अगर आपका कोई पेज गूगल क्रॉल नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपके वेबसाइट पर प्रॉब्लम है, या तो वो पेज अवेलेबल नहीं है जिसको आप इंडेक्स करना चाहते हैं, क्रॉलिंग करना चाहते हैं। और हाँ, अगर क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग के बारे में नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत साल पहले का मेरा एक वीडियो है, सिंपली क्रॉल इंडेक्सिंग करके एज इन्फॉर्मर आगे लगा करके यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, वो वीडियो मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो मतलब सीधा सी बात है भाई साहब, आपका ब्लॉग जो है वो ब्लॉग का पोस्ट पे गूगल का स्पाइडर, मतलब एक बोट आता है, चेक करता है क्या क्या है, उसको रैंक करने से पहले, इंडेक्स करने से पहले क्रॉलिंग करता है। अगर क्रॉलिंग नहीं हो रहा है तो सर्च इंजन कंसोल में डैशबोर्ड में दिखाएगा, और देखिए वहाँ पे जो भी, हर एक वेबसाइट का अपना अपना रीजन हो सकता है, अलग ब्लॉग का अपना अपना रीजन हो सकता है, उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी फिक्स कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो होता है साइट मैप। एक्चुअली बात यह है कि आपको सबसे पहले, आप अपना ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तो आपको साइट मैप क्रिएट करना जरूरी होता है।
साइट में कुछ नहीं होता, आपका जो ब्लॉग का जितने भी पोस्ट होंगे उसका लिंक का एक जगह से मतलब एक तरह से मैपिंग किया जाएगा, जहां सारे के सारे लिंक अवेलेबल रहेंगे, सारे के सारे इमेज अवेलेबल रहेंगे, और उसी साइट मैप के थ्रू ही गूगल का जो भी इंडेक्सिंग सिस्टम है, क्रॉलिंग सिस्टम है, वो आएगा, वो समझेगा, चूँकि वो जो होता है ना XML में होता है, तो इस चीज़ को एकदम नेसेसरी है कि आपके ब्लॉग पे साइट मैप होना चाहिए। और साइट मैप जनरेट करने के लिए पहले तो बहुत सारे प्लगइन्स था, SEO प्लगइन्स का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन लेटेस्ट वर्डप्रेस के जो अपडेट आया है उसमें मतलब इनबिल्ट जो है साइट मैप क्रिएशन दिया रहेगा। ये एक बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि साइट मैप रहेगा तभी सर्च इंजन में विजिबिलिटी इंक्रीज होगी, या आगे का जो भी सर्च इंजन का काम आपको करना पड़ेगा, चाहे क्रॉलिंग का करवाना है, इंडेक्सिंग करवाना है, वेबमास्टर टूल्स में जो है आपको ऐड करवाना है, फास्टली इंडेक्सिंग करवाना है, सारे के लिए आपके लिए साइट मैप होना जरूरी है, और ये एक टेक्निकल पॉइंट है। अगर इसी की बात करते हैं साइट मैप, तो अगले पॉइंट की तरफ चले, और मैंने स्ट्रक्चर डाटा के बारे में वहाँ पे भी बताया था और यहाँ पे भी बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर डाटा या schema.org जितने भी होते हैं, मतलब आपका जो वेबसाइट है, चाहे वो ब्लॉग है, चाहे वो न्यूज एजेंसी है, चाहे वो रेसिपी के बारे में है, चाहे वीडियोज के बारे में है, चाहे स्पोर्ट के बारे में है, चाहे मार्केट के बारे में है, या बुक के बारे में है, या रिव्यू के बारे में क्या है, ये गूगल कैसे समझेगा? ये समझेगा कि अगर आपका वेबसाइट जो है स्ट्रक्चर डाटा के अनुसार बढ़िया से जो पूरे के पूरे सब कुछ सारा इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो ये बढ़िया रहेगा, और इसके लिए आपको स्ट्रक्चर डाटा क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन अगर बढ़िया से बढ़िया प्लगइन्स जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें साइड में ऑप्शन रहता है कि आप जो ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं उसमें जो है जैसे ही ऑप्शन करेंगे तो उसका ऑटोमेटिकली उस ब्लॉग पोस्ट का स्ट्रक्चर डाटा क्रिएट हो जाएगा। और दोस्त, एक पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो अगला पॉइंट है, वो है आपके वेबसाइट ब्लॉग का साइट स्पीड, मतलब लोडिंग स्पीड। इस चीज़ को जितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं उसको इम्प्रूव करिए। रीज़न ये है कि जितना फास्ट वेबसाइट या ब्लॉग लोड होगा यूजर के लिए, उतना बढ़िया माना जाता है। क्योंकि सिंपली अगर आप ही कोई वेबसाइट खोलते हैं, गूगल में सर्च करते हैं और बहुत देर तक लोड नहीं होता है, गुस्सा में आप पीछे आते हैं और फिर से दूसरे वेबसाइट पर जाते हैं, क्यों? क्योंकि गूगल में एक चीज़ को सर्च करते हैं और इसके बाद जो है ढेरों के ढेरों वेबसाइट जो है अवेलेबल होता है इंटरनेट पे। अगर एक वेबसाइट नहीं दिया इन्फॉर्मेशन, दूसरे वेबसाइट पे जाएंगे और इस चीज़ को गूगल ना पसंद करेगा। इसलिए बेहतर होगा कि अपने वेबसाइट का साइट स्पीड इंक्रीज कर लीजिए। साइट स्पीड कैसे इंक्रीज करना है, इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, और वो सारे तरीके तो नहीं, लेकिन जो मेन तरीका है उसका भी वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, उसको देखिए, समझिए। जिसमें से सबसे नंबर वन है स्पीड इंक्रीज करना है, तो बढ़िया से बढ़िया होस्टिंग इस्तेमाल करिए, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। इसके बाद कैश प्लगइन्स इस्तेमाल करिए, इसके बाद इमेज जो है ऑप्टिमाइज होना चाहिए। ये सब जो है बेहद ज़रूरी होता है, और वेब होस्टिंग बढ़िया चुनने के लिए मैंने लाइव स्क्रीन पे जो है बाय करने के लिए, जहाँ पे डोमेन नेम भी फ्री में अवेलेबल होता है, वो साथ में सस्ता से सस्ता वेब होस्टिंग कैसे ले सकते हैं, वहाँ पे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपका ब्लॉग पे डुप्लीकेट कॉन्टेंट होना शुरू हो जाए, मतलब एक ही ब्लॉग है उसका URL www से भी शुरू होता है और एक होता है https या http, अगर ये दोनों को रिडायरेक्ट नहीं किया गया है और दोनों अलग अलग कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऐसे में गूगल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मतलब आपका ब्लॉग गूगल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा और फिर गूगल सही से इंडेक्सिंग नहीं करेगा। ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। इसके लिए अगर एक तो जनरली अगर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे थे, इंस्टॉलेशन टाइम में ही बहुत बढ़िया कर लीजिए, और इसके बाद शुरू में ही या तो www पे करिए या विदाउट www करिए। सिंपली कहने का मतलब मेरा ये है कि कुछ ब्लॉग देखते हुए सिंपली http या https इसके बाद ब्लॉग का .com या जो भी है URL रहता है, और जैसे मेरा ही ब्लॉग है तो मेरा ब्लॉग क्या है कि https इसके बाद जो है आपका www. इसके बाद आगे tkg.com होता है, राइट, ऐसा ही होता है ना। तो ये चीज़ आपको देखना बेहद ज़रूरी है, और अगर कभी इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो 301 का रिडायरेक्ट आप कर लीजिएगा। अगर ये नहीं जानते हैं तो प्लगइन्स इंस्टॉल करिएगा, ये आपका काम बहुत आसानी से कर लेगा। ये होता कैसे है, ये जनरली जो आपका डोमेन नेम का डैशबोर्ड होता है वहाँ से सेटिंग होता है, जहाँ पर ए रिकॉर्ड रहता है, राइट। अब तो समझ में आ गया, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, और ये है दोस्तों लिंक के बारे में। ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, इंटरलिंकिंग करना अलग मैटर है, लेकिन इंटरलिंकिंग करने के बाद वो लिंक ब्रोकन हो जाता है,
ब्रोकन का मतलब है कि मान लीजिए आप अपने ही पेज में कोई पेज के बारे में किसी पेज पे लिंक कर चुके हैं, बाद में उस पेज को डिलीट कर दिया गया, तो जहाँ से लिंक किए हैं उसके लिए वो ब्रोकन लिंक हो गया। तो ये चीज़ आपको फाइंड आउट करना है, जितने भी ब्रोकन लिंक है उसको या तो अपडेट करिए, सही करिए, या लिंक को ख़त्म करिए। यही कंडीशन आउटबाउंड लिंक या एक्सटर्नल लिंक जो भी होता है इसके लिए भी लागू होता है। तो ये चीज़ सर्च करने के लिए अपना SEO ऑडिट करेंगे तो उसमें हो जाएगा, अदरवाइज अगर आपके पास प्लगइन्स होगा तो वो फाइंड आउट करके दे देगा। ये प्लगइन्स बहुत काम को आसान कर देता है। और वैसे तो पॉइंट बहुत सारे हैं, लेकिन एक पॉइंट जो बताना और ज़रूरी रह गया है, जहाँ पे वेबसाइट स्पीड की बात करते हैं तो इसके बाद जो आता है पॉइंट, मतलब कि वेबसाइट स्पीड के बाद मैंने लिंक के बारे में भली बात किया, लेकिन इन प्रायोरिटी की बात करते हैं। आज की डेट में आपका वेबसाइट या ब्लॉग जो है ना वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है मोबाइल फ्रेंडली, और मोबाइल फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, या रिस्पॉन्सिव का मतलब सीधा सी समझ लीजिए कि एक ही वेबसाइट है, एक ही ब्लॉग है, वो अगर डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन पर है तो हर एक स्क्रीन के अनुसार ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर जाए। मोबाइल पे है तो मोबाइल की तरह दिखना, बढ़िया से बढ़िया दिखे, टैबलेट पे है तो टैबलेट की तरह, बड़ा स्क्रीन पे तो बड़ा स्क्रीन, लैपटॉप पे है तो लैपटॉप के अनुसार, और टीवी पे है तो टीवी के अनुसार, मतलब स्मार्ट टीवी है, मतलब जहां पे भी अगर है, चाहे इतना बड़ा स्क्रीन हो चाहे इतना छोटा सा स्क्रीन हो, वहाँ पे फिट हो जाए और एक भी पॉइंट जो है मिस ना हो, किसी को कुछ ऐसा जो है मतलब कि स्क्रॉल करने में या ब्राउजिंग करने में दिक्कत ना हो जाए, तो ये चीज़ होना ज़रूरी है। और आज के डेट में अगर वर्डप्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो ढेरों जो है लेटेस्ट अगर थीम इस्तेमाल करेंगे तो वो मोबाइल फ्रेंडली मिल ही जाता है, लेकिन इसमें भी जो पेड जो होता है मतलब प्रीमियम थीम जो होता है उसका स्पीड इंक्रीज रहता है। क्योंकि देखिए वेबसाइट का स्पीड जो है सिर्फ और सिर्फ वेब होस्टिंग पे ही डिपेंड नहीं होता है, वेबसाइट का स्पीड जो है थीम पे भी डिपेंड होता है कि उसका कोडिंग स्टैंडर्ड जो है कितना बढ़िया से बढ़िया है। तो जैसे मैं प्रीमियम थीम इस्तेमाल करता हूँ, पहले मैं फ्री वाला थीम इस्तेमाल करता था क्योंकि उस समय पैसा नहीं था, ब्लॉग से पैसा नहीं अर्निंग करता था, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन आज की डेट में मुझे लगा तो मैं डिफरेंट अब तो लगभग जो है प्रीमियम थीम ही बाय करता हूँ, फ्री थीम जल्दी लेने का कोशिश ही नहीं करता हूँ, क्योंकि वो जो है फ्री थीम का भी अपना एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है, प्रीमियम थीम का भी डिसएडवांटेज इतना ही है कि इसमें पैसा देना पड़ता है, बाकी एडवांटेज ही एडवांटेज है। तो कभी इस पे भी अगर आप लोग इंटरेस्टेड होइएगा तो मैं पक्का बताऊंगा कि कौन सा जो है प्रीमियम थीम ले जो सस्ता भी हो और बढ़िया सा स्पीड हो। कभी कभी क्या होता है ना कि थीम ब्राउजिंग में भी लोग गलती कर देते हैं और वो प्रीमियम थीम तो लेते हैं लेकिन ज़्यादा पे कर देते हैं, लेकिन उससे सस्ता में और बढ़िया स्पीड और बढ़िया रिस्पॉन्सिव बढ़िया डिजाइन वाला थीम अवेलेबल हो जाता है। तो आई होप आपको जो है बहुत सारे इसमें टेक्निकल पॉइंट में बहुत सारे ऐसा है जो आगे फिर से बताऊंगा, आगे बहुत सारे पॉइंट बचा हुआ है, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इसके लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं, मेरे इन्फॉर्मेशन को लगता है कि काम का है और पसंद कर रहे हैं, तो ऐसे में आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके। मैं एम कर रहा हूँ कि इस वीडियो पर एटलीस्ट 100 लाइक तो आ ही जाना चाहिए।